नमस्कार दोस्तों, आज मैं विटारा ब्रिजा टॉप मॉडल 2018 ZDI का परफॉर्मेंस रिव्यू करने वाला हूँ। ये गाड़ी 50,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी, 54,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इसके टायर्स की कंडीशन कैसी है, इंजन की कंडीशन कैसी है, अंदर से कैसी कंडीशन है, क्या इसमें दिक्कत आई है अभी तक, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। तो सबसे पहले मैं इसके टायर्स दिखाता हूँ 54,000 किलोमीटर चलने के बाद। दोस्तों ये अपोलो के ओरिजिनल टायर हैं जो इसके साथ आए थे, एलॉय व्हील में आते हैं, ZDI टॉप मॉडल गाड़ी है ये 2018 मॉडल। तो ये अभी इतने बचे हुए हैं कि लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। हालांकि अगर सिंगल ड्राइवर किसी गाड़ी को चलाता है तो उसका बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है, इसको भी 4-5 बंदे चलाते हैं क्योंकि ये घर में यूज़ होती है तो हर कोई इसे चला लेता है। दिल्ली में चलती है जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, इस वजह से आर्म स्क्रैचेज लगना तो नॉर्मल बात है, दिल्ली में स्क्रैच लगना तो छोटी सी बात है बिल्कुल ही। एज सच कोई खास बड़ा स्क्रैच नहीं है, कलर वगैरह भी बिल्कुल फेड नहीं हुआ है, जैसा कलर है वैसे ही है, हालांकि धूप में ही खड़ी रहती है। और ये मैंने आगे वाले टायर्स की कंडीशन दिखाती और मैं पीछे वाले टायर्स की कंडीशन दिखाता हूँ। बाहर से आप देख सकते हैं हालांकि माइनर एक्सीडेंट भी हुआ है, छोटे मोटे ट्रक के साथ यहाँ से टच हो गई थी, तो वो कंपनी में ही काम हुआ है इंश्योरेंस क्लेम करके, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे वाला टायर है, ये इन दोनों में पीछे वाले टायर्स में कट लग चुके हैं, लेकिन फिर भी ये रिपेयर होने के बाद चल रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसका एक भी टायर अभी तक चेंज नहीं हुआ है 54,000 किलोमीटर चलने के बाद। ये इसके पीछे से कंडीशन है, क्योंकि टॉप मॉडल है तो सब कुछ इसमें लगा हुआ ही आता है, बाहर से लगवाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ और उसके बाद आपको इंजन दिखाऊँगा और इसकी माइलेज क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एसी इसका काफ़ी इफेक्टिव है, अगर 5 बंदे भी बैठे, हालांकि ये 4-5 सीटर गाड़ी है, 4 कह सकते हो आप, 2 आगे 2 पीछे, पर 5 बंदे आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 6 भी अगर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। और इसके अलावा एसी अगर 6 बंदे बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से काम करती है। ये देखिए दोस्तों 54,343 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और 18.2 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये एवरेज निकालती है। ये एवरेज कल की है, कल ये दिल्ली से आई है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास रनिंग करके। और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बैक कैमरा दिखा देता हूँ आपको, वो भी प्रॉपरली काम कर रहा है। ये बैक कैमरा इनबिल्ट आता है, वो भी काम कर रहा है। एसी इसमें ऑटो मोड में आती है, वो भी प्रॉपरली काम कर रही है। एक थोड़ी सी दिक्कत अब इसमें आने लगी है कि ये थर्ड गियर जो है इसमें यू थोड़ा सा लगाने में दिक्कत आ रही है, वो भी अभी रिसेंटली एक महीने में दिक्कत आनी स्टार्ट हुई है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और ये 54,000 किलोमीटर चलने के बाद ये छोटी मोटी माइनर दिक्कत तो गाड़ियों में आ ही जाती है। अब मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ, बाकी जो पावर विंडोज़ वगैरह है, पावर मिरर वगैरह है, वो सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं, कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है नहीं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसका इंजन है, डीजल इंजन आता है इसका 1300 cc के आसपास। हालांकि अगर आप छोटी कार चलाते हो या दूसरी चलाते हो तो इसको अगर आप चलाओगे तो पिकअप में थोड़ा सा आपको फ़र्क लगेगा, क्योंकि ये गाड़ी बड़ी है और इंजन वही स्विफ्ट वाला है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत फील होती है। वो अगर आप एक दो बार चला लेते हो तो उसके बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। बैटरी वगैरह सब ओरिजिनल है, जो कंपनी के साथ से आई थी, 2018 मॉडल है ये, 2018 मिडल। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हवा चल रही है थोड़ी सी दोस्तों, तो आवाज़ में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। ये देखिए ये इंजन आवाज़ अच्छी बड़ी है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी कहीं से लीकेज वगैरह नहीं है। हालांकि धूल जमी हुई है, ये तो धूल तो जम जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ब्रेक पैड वगैरह थे वो ओरिजिनल वही पड़े हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब 54,000 किलोमीटर के बाद एक्स्ट्रा कोई भी इसका खर्चा नहीं है, बस सिर्फ सर्विस कॉस्ट के अलावा। बंद कर दे। तो ये था दोस्तों परफॉर्मेंस रिव्यू। बाकी अगर आप कुछ भी ब्रिजा के बारे में जानना चाहते हो तो वो तो वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे। ये एक्चुअल कंडीशन है 54,000 किलोमीटर चलने के बाद कि गाड़ी कैसी दिखती है, कैसी रहती है, कैसा परफॉर्म करती है, वो चीज़ बताने का मेरा उद्देश्य था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो
देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।